गाइज ये हमारा चल रहा है परिक्रमा। तो गाइज है ना परिक्रमा चालू हो गई, पर ये सब लोग मुझे छोड़ के चले गए, अकेली जा रही हूँ। तो हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज मैं एक रेडी हो गई, तैयार हो गए। मैं, ये है प्रकाश, इधर ईशु के पापा, और उधर विष्णु को बुखार आके उस रूम में सो रहा है। तो हम रेडी हो गए, तो आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। एकदम से कहाँ जाने का प्लान बन गया, लेकिन हम चारों ही जाएंगे, बच्चे हमारे नहीं जा रहे, ईशु का ही वेट कर रहे थे। तो गाइज अभी इसके पापा, ईशु के पापा, डुगू को और ईशु को निशु के घर पे छोड़ने जा रहे हैं, इसके बड़े पापा के घर पे। डुगू टीकू को परेशान मत करना, ठीक है बेटा। तो गाइज फाइनली ईशु और डुगू चली गए उसकी मम्मी, बड़ी मम्मी के घर पे। तो हम लोग भी बस तुरंत निकल रहे हैं, बने रहना ब्लॉग में, बताऊंगी आगे। तो गाइज हम अभी दिल्ली से निकले ही हैं, और मैं इधर, प्रकाश इधर, विष्णु और इधर हमारे ड्राइवर साहब, और इधर हमारी गाड़ी चल रही है, और हम जा रहे हैं। गाइज आपको बता ही देती हूँ, चलो बातें करते हैं हम। मैं उस टाइम पे थोड़ा बिजी थी, सुबह से आज बहुत बिजी थी, तो ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा था, एडिट टाइम पे करा। तो ईशु और डुगू मेरी जेठानी के घर पे छोड़ के आ गए उस दोनों को, क्योंकि कल ईशु का पेपर था, तो ईशु को हम ला नहीं सकते थे, और डुगू अभी बहुत छोटी है। तो हम जा रहे हैं यूपी, हम जा रहे हैं गाइज वृंदावन गोवर्धन बाबा के। तो रात को जब परिक्रमा करेंगे ना वहाँ की, तो बहुत लंबा पड़ जाता, तो इसलिए हम डुगू को भी साथ में नहीं लाए, क्योंकि रात का टाइम वो परेशान भी है हो जाती, और बारिश का टाइम भी है अभी। तो आपको मैं बताऊँ, मेरे पापा हमारे घर से पैदल चल के आए हैं वृंदावन। तो गाइज हम निकले हैं घर से, जब ईशु स्कूल से आ गई थी ना उसके बाद में, और 3:30 बजे निकले, तो मेरे पापा 6 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ पर। फिर उसके बाद में हम रात को परिक्रमा देंगे, और पापा से मिलके भी आ जाएंगे, और फिर सुबह तक वापसी आ जाएंगे। तो डुगू और ईशु वहाँ पे रहेंगी, सुबह ईशु स्कूल चली जाएगी, हम आके डुगू को ले लेंगे। तो गाइज आपको भी दर्शन करवाऊंगी, बने रहना ब्लॉक में, कंटिन्यू बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आज स्किप कर दोगे ना, तो बाबा के दर्शन रह जाएंगे आपके। तो गाइज मैं आपको बता दूं, मिंटू तो गाड़ी में सो गई, और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, लगभग हमें 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा वृंदावन पहुँचते, लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो गाइज बीच में बारिश इतनी तेज आ चुकी है कि क्या बताएं, वाइपर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पानी को उठाने की, लेकिन फिर भी कुछ नॉर्मली दिख रहा है, ज़्यादा साफ क्लियर नहीं दिख रहा, क्योंकि पानी इतना गिर रहा है ऊपर से भाई तगड़े वाला। तो आज रात को वहाँ पर हम परिक्रमा भी करेंगे, तो गाइज अगर बारिश रहेगी ना तो बुरे हाल हो जाएंगे। वैसे मुझे तो बुखार भी आ रहा है, लेकिन जा रहे हैं भाई, क्या करें, देखते हैं वहाँ जाएंगे तब तक या तो बारिश रुक जाएगी, या फिर बारिश में परिक्रमा होगा। तो गाइज जब मैं ना इस जाम में फंसे हुए, आधा घंटा हो गया और जाम हट नहीं रहा बिल्कुल। चलाओ चलाओ चलाओ, अरे भगवान, 1 घंटा हो गया इस जाम में फंसे हुए, जाम कर दे बच्चे। तो गाइज फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे दाल बाटी पहले से बनी हुई थी, तो वो खा लेते हैं, फिर इसके बाद जो डोरा होता है ना वो चल्लू करेंगे, क्योंकि पहले रोटी खा के चल्लू करना पड़ता है, अगर फिर बाद में रोटी नहीं खा सकते, इसलिए तो ना पहुंच गए अभी। तो गाइज ये धर्मशाला है, यहाँ पे रुके हुए हैं सारे लोग। तो गाइज ये है गिरिराज जी महाराज का मंदिर, आप देख सकते हो, और ये देखो पानी है नीचे, रात में कुछ नज़ारा कुछ अलग ही है इसका। ये आप जल चढ़ाओ, नमो सुनंता सार्थ मुक्त सार्थ वाला नाम ले पुरुषार्थ हर गोटी उद्घार ले नमक कमल्लावा नमः। तो गाइज अभी पूजा पाठ वगैरह कर लिया है, और यहाँ से अभी दूध का डोरा स्टार्ट होगा हमारा, तो अभी दीपक जलाया जा रहा है, और ये पंडा जी महाराज हैं, और पापा के हाथ से, प्रकाश के हाथ से, और सभी के, मतलब सबके हाथ से पूजा करवाई है। मिंटू इधर खड़ी है, ये पापा के तिलक काट रहे हैं महाराज जी, और सभी के कटेगा मतलब तिलक, और अभी हमारा परिक्रमा स्टार्ट हो जाएगा। और गाइज इधर हमारा दूध आ चुका है, देखो ये रेडी है ना, इसके अंदर वो पूरा केंद्र रखा है, और ये आ गई है वो, जो इसमें से धारा बहेगी ना, वो देखो नीचे धागा लगा हुआ है, और यहीं से डोरा स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, ये देखो ले भाई प्रकाश।
गिरिराज महाराज की जय हो। तो गाइस ये रेडी साथ चलेगी, इसके अंदर दूध है और ये प्रकाश के हाथ से डोरा लगवाएंगे हम। ऐसे लगेगा डोरा, ये शिव जी का जल चलता है ना वैसे चलता रहेगा और रोकेंगे नहीं इसको। अब पूरा परिक्रमा होगा तब तक, और जीजा जी को दे दिए अगरबत्ती। ओके गाइस ये हमारा चल रहा है परिक्रमा। मिंटू आ जा, फोन के चक्कर मत रह। ये है पापा का पैर में कुछ चोट वोट, मतलब नस के अंदर कुछ हो गई थी प्रॉब्लम, तो पट्टी वट्टी बांध रखी है, बाकी यात्रा पूरी हो गई सफल पूरा बिल्कुल अच्छे से। तो गाइज ये देखो, ये जो प्रकाश के हाथ में जो डमरी है ना, इसकी धारा ऐसे चलती रहेगी, मतलब इसको बोलते हैं दूध का डोरा। इसमें दूध है और ये रेगुलर चलती रहेगी देखो ऐसे, और रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी पूरा परिक्रमा में। गोवर्धन तीर्थ में आपका स्वागत है। तो गाइस जीजाजी भी दे रहे हैं दंडोत, और यहाँ से मेन गेट से कम ना 4-5 दंडोत देने के बाद ही आगे बढ़ता है हमारा परिक्रमा। ओके तो अभी हम दंडोत दे के सारे लोग दे लिए और अभी हम चल रहे हैं आगे। तो गाइस आप देख सकते हो बच्चे कितने मस्त लग रहे हैं ना। तो गाइस है ना परिक्रमा चालू हो गई, पर ये सब लोग मुझे छोड़ के चले गए, अकेली जा रही हूँ। मेरे साथ मेरा भतीजा को थोड़ा कंट्रोल करके रोका, नहीं वो भी नहीं रुक रहा था, और मैं यूँ कर रही थी परिक्रमा देख के वापस आ रहे थे लोग, भाई इनके इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, अब पता लग रहा है कि पसीने तो टिपकेंगे ही, और इतनी स्पीड से चल रहे हैं ना सब मुझे छोड़ गए। पर बहुत सारे लोग परिक्रमा दे रहे हैं, तो मैं किसी के भी साथ शामिल हो जाऊंगी। और बोलो एक बार राधे राधे। तो गाइस चलते चलते थक गए थे, तो फिर यहाँ पे गन्ने के जूस की दुकान मिली, तो अभी हम गाइज आप लोग सोचते हो ना कि यार ये धार्मिक रूप पे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि कई कई इतने तगड़े भगत हैं, वो मैं आपको ना साक्षात दिखाने वाला हूँ अभी। ओके तो आप देखिए गाइज, आपको यहाँ पे पत्थर दिख रहे हैं ना, ये 1100 पत्थर है, और 1100 पत्थरों को ना आगे रखता है वो, यानी कि वो एक दिन में एक ही डंडोत देता है। तो लगभग मतलब इतना भाई मेरे हिसाब से अगर एक डंडोत देगा तो पूरा जीवन पूरा हो जाएगा उसका यहीं पर। गाइज आप ये देख रहे होंगे, ये लाइन देख रहे होंगे, ये पूरी प्रक्रिया में इस तरह की लाइन चलती आ रही है हमारे दूध से, ये आगे आगे दूध लेके चल रहा है विष्णु, तो पूरी प्रक्रिया में इस तरह की लाइन बन रही है, तो इसे दूध का डोरा बोलते हैं। तो दूध का डोरा बन रहा है ये, तो मेरे हाथ में ये अगरबत्ती है, ये भी पूरी प्रक्रिया के दौरान जलती रहेगी। और गाइस मैं आपको बता दूं, पूरी प्रक्रिया में सिर्फ 3 ही अगरबत्ती है हमारे पास, ये 3 अगरबत्ती में पूरा 22 किलोमीटर का परिक्रमा खत्म हो जाएगा, देख लो इतनी लंबी है, बहुत टाइम तक चलती है। तो गाइज हमारी एक परिक्रमा पूरी हो गई, बड़ी परिक्रमा। गाइज हमारी मतलब छोटी नहीं बड़ी परिक्रमा पूरी हो चुकी है, अब है छोटी परिक्रमा और यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी छोटी परिक्रमा। क्या टाइम हो गया? टाइम हो गया गाइज 12 से शायद ऊपर हो गया मेरे साथ, मतलब 1 बजने वाला है, 12:55 हो गया, और अभी 3 घंटे और लगेंगे। कितने बजे स्टार्ट की थी हमने? हमने की थी 9:30 बजे, 9:50 पे स्टार्ट की, 1 बजे एक परिक्रमा पूरी कर दी, पूरी परिक्रमा खत्म, 3 बजे दूसरी परिक्रमा स्टार्ट, 3 बजे दूसरी होगी। नंगे पैर चप्पल नहीं पहन सकते परिक्रमा में। तो गाइस 2 कमरे दे लिए और छोटी परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट होने वाली है, ये लगभग क्योंकि अभी हम थक चुके हैं तो लगभग 3 घंटे तो लग जाएंगे, कोशिश करते हैं 1 बजे से स्टार्ट करें, देखते हैं कितने बजे तक खत्म करते हैं। ओके तो गाइज फाइनली अभी हम राधा कुंड पहुँच चुके हैं, ये है राधा कुंड, ये देख सकते हो बहुत बड़ा है। तो गाइज अभी हम पी रहे चाय क्योंकि थक चुके हैं, और यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर और है परिक्रमा, तो ये भी थक गए हैं क्योंकि गाइज थके नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पे नहीं कंकर आते हैं, नहीं चुभते हैं, मतलब ये दर्द कर रहे हैं ये, बाकी ऐसे कोई थकान नहीं है। मिंटू और प्रकाश सोनू भी आ गए, और पापा जी बैठे हैं आप देख सकते हो, ये रहे पापा जी और प्रकाश आ गया, सोनू भी आ गया, मिंटू ने बैठ गया, मिंटू तक गए भाई। तो गाइज कुल्लड़ वाली चाय आ चुकी है, अभी हम पी रहे हैं और बड़ा मज़ा आता है सच में यार इसमें।
तो गाइस ये पूरा परिक्रमा हमारा ख़त्म हो चुका है। जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट हुआ था वहाँ से देखो ना, तो उसी लोकेशन पे वापस आ चुके हैं। और ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ये गिरिराज जी महाराज का मंदिर है। और अभी पूरे दूध को ये कुंड है ना इसमें चढ़ाएंगे, जो दूध बच गया हमारा है ना उसको भी चढ़ाएंगे और फिर जाके धर्मशाला में सो जाएंगे। उसके बाद सुबह नहा धो के मंदिर आएंगे, ठीक है। तो सुबह आपको दर्शन करवाएंगे, अभी एक दो घंटा सो लेते हैं भाई। गाइज हमने दूध का डोरा यहाँ से स्टार्ट किया था और वापस यहीं ला के ख़त्म किया है। गाइज फाइनली हमारी परिक्रमा पूरी हो गई है और हम लोग 9:50 पे मतलब 10 बजे स्टार्ट करे थे और 4 बज गए, तो आप देख लो कितना घंटा हो गया। लेकिन हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, ऐसे कोई थकान नहीं हुई, लेकिन पैर ऐसे जल रहे हैं ना कुछ मत। और अभी मेरे पापा आए थे ना, तो वो हमने साथ में केतली लेके, आपने देखा होगा ब्लॉग में, और पूरा दूध का भी दौरा दिया था, पूरी परिक्रमा दी थी दूध से। बिल्कुल भी कहते हैं ना, अगर या तो दो में तो दे तो वो धार जो बनाते हैं ना वो धार टूटनी चाहिए। और गाइज आपको ना रास्ते में वो लाइन भी दिखी होगी ना बनती हुई, तो हमारी बहुत अच्छे से परिक्रमा हो गई बाबा की। पूरी 21 किलोमीटर वो लाइन ही बनती थी, मतलब पूरी 7.5 मतलब 21 किलोमीटर वो लाइन ऐसी बनती थी। तो देखो ना, हमने इस यहाँ से पूजा करके और फिर वो जो दूध की धार बनाई थी ना वो लाइन चलती रही पूरा 21 किलोमीटर, वो कंटिन्यू बनती रही है, कहीं मिसकेज नहीं हुई इतनी सी भी। मतलब केतली को हाथ में लेते जैसे जैसे हम चलते गए चलती रही, बीच में दूध ख़त्म होने से पहले ही उसमें दूध डाल देते थे। साथ में हमने एक रिक्शा करा था, रिक्शे में दूध का ड्रम रख दिया था और डालते गए। हमारी परिक्रमा बहुत अच्छे से हुई, अगरबत्ती साथ में वो पूरे 21 किलोमीटर तक बिल्कुल भी नहीं बुझने दी, वो ख़त्म हुई थी उससे पहले ही दूसरी जल जाती थी, जैसे ही वो ख़त्म हो रही थी उससे पहले ही दूसरी जल रही थी। हाँ जी, तो गाइस आपको एक बात बता दी, गिरिराज जी भगवान की इतनी बढ़िया मेहर हुई कि 7 घंटे में हमारा सफ़र ख़त्म हो गया, मतलब जो परिक्रमा था वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद यहाँ आके दूध चढ़ाया और बारिश आ गई बहुत तेज बारिश, अगर ये पहले आ जाती तो भाई हालत ख़राब हो जाती सच में। और भाई पूरा परिक्रमा ख़त्म हुआ, अब हम सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बारिश कितनी भी आए हम भीगे नहीं। तो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई, रात में पूरी रात हमने अच्छे से चल के बाबा की परिक्रमा करी और दूध की भी परिक्रमा हमने साथ में कर दी थी। और अब सुबह हो गई, 8 बज गए थे। हमारे गांव से जो यात्रा आई थी ना झंडा लेके आए थे, पीछे आ रहे हैं, तो झंडा लेके आ रहे हैं, अभी बाबा को वो झंडा चढ़ाएंगे और फिर दर्शन करेंगे अच्छे से, दर्शन आप लोग को भी करवाएंगे हम, फिर आके दाल बाटी चूरमा खाएंगे, वो हमारे भंडारे में दाल बाटी चूरमा बन रहा है गाइस। बाकी तो ये बोलेगा, तो कुछ नहीं बोलना, चलते मंदिर दर्शन कराते हैं आप लोगों को। ओके गाइस, ऐसा लग रहा है ना पैरों में नीचे इतने मोटे मोटे घूमड़े हो गए। आजा चले गाइस, फाइनली खाना पीना सबका हो गया और मेरे पापा और भी जा रहे हैं गांव, वो जाएंगे बस से और हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, वो जा रहे हैं गांव में। तो गाइस आप सब लोग मेरे साथ साथ बोलो राधे राधे। तो इस ब्लॉग का एंड हम ये करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।